बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की। भक्तजनों, गिरिराज जी महाराज भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जिले में स्थित हैं। यहाँ भक्तजन आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्यारे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर उनकी और गोविंद हरि की कृपा को प्राप्त करते हैं। भक्तों, गोवर्धन गिरिराज जी इतने महान कैसे बने, कैसे कृष्ण कन्हैया लाल जी के राज दुलारे बने और कैसे इनका संबंध देवराज इंद्र के मान घटाने से है, आइए वेद पुराणों में वर्णित ये पावन गाथा आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाता हूँ। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की। सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी, आओ सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी। है कृष्ण की ये लीला वेदों ने है बखानी, आओ सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी, आओ सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी। कथा इस प्रकार से है भक्तों, आषाढ़ का महीना था, भगवान श्री कृष्ण अन्य गोप ग्वालों के साथ वन में गैया चरा रहे थे कि तभी कुछ गैया गोवर्धन पर्वत की तलहटी की ओर चली गई। भगवान कृष्ण और ग्वाले जब गैया माता को लेने वहां गए तो क्या देखते हैं कि कुछ गोपिकाएं तरह तरह के पकवान बनाकर रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर देवराज इंद्र की स्तुति गा रही हैं, नाच रही हैं। भगवान कृष्ण के पूछने पर वो उन्हें बताती हैं कि यदि इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तभी तो इस माह में अच्छी वर्षा होगी और तभी धन धान उगेगा और हरियाली छाएगी, जिससे हमारी गौ माता चारा प्राप्त करेगी। कान्हा अचंभे में घर की ओर आते हैं और घर आकर माँ यशोदा को देखते हैं तो क्या पाते हैं, आइए सुनते हैं। इंद्र पूजे पकवान थी बनाती, माता भी इंद्र पूजे पकवान थी बनाती। है महान इंद्र देवा कान्हा को थी बताती, माता की सुन के वाणी हुई कृष्ण को हैरानी, आओ सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी। मैया के समझाने पर कृष्ण कन्हैया माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ, सारी सृष्टि में वर्षा करवाना तो इंद्र देवता का कार्य ही है, फिर भला इनकी पूजन अर्चन क्यों करनी पड़ती है। मैया ने बात सुनी अनसुनी कर दी, तब कान्हा ने यही बात गोप गोपिकाओं को जाकर बताई और समझाया कि यदि पूजन करना है तो गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए, यही पर्वत तो मेघों को हमारे गोकुल के ऊपर रोकता है ताकि वर्षा होती है, इसी से हमारे गोवर्धन पर्वत पर हरियाली छाती है जिसे गैया माता चारा समझकर खाती है।
और ढेर सारा दुग्ध देती है। इसलिए मेरी बात मानो और इंद्र का पूजन अर्चन बंद कर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना आरंभ करो। भगवान कृष्ण की बात गोप गोपिकाओं की समझ में आ गई। उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी। इधर हर आषाढ़ के महीने देवर्षि नारद इंद्र की पूजा देखने गोकुल में आते थे। इस वर्ष भी जब वो गोकुल में आए तो क्या देखते हैं, आइए सुनते हैं। गोपियों ग्वाल मिलके गिरिराज को है पूजे, और इंद्र को जरा भी कोई ग्वाल भी न पूजे, अभी इंद्र को मैं जाके सारी कहूँ कहानी। देवर्षि नारद यह सब देखकर इंद्र के दरबार में आए और सारी बात इंद्र को सुनाई। इंद्र ने जब ये सुना कि समस्त गोकुल वासियों ने उसका पूजन अर्चन बंद कर दिया है, बहुत क्रोधित हो गया और मेघों को आदेश दिया कि जाओ और गोकुल के ऊपर इतनी वर्षा करो कि सारा गोकुल डूब जाए, ध्यान रखना कोई बचने ना पाए। मेघ बेचारे सत्य जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात श्री हरि का अवतार हैं, पर क्या करते, अपने देवराज इंद्र की आज्ञा कैसे ना मानते। सो गोकुल के ऊपर गए और बारिश बरसाने लगे। पहले तो सबने सोचा आषाढ़ का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है, परंतु जब तीन दिन तक लगातार बारिश हो गई, सारा गांव डूबने लगा, तब सारे गोप गोपिकाएं श्री कृष्ण के पास में आए और शिकायत के स्वर में उनसे ये कहने लगे। बातें तुम्हारी सुन के नहीं इंद्र को था पूजा, बातें तुम्हारी सुन के नहीं इंद्र को था पूजा, अब क्रोध हम सभी को गोपाल सहना होगा, गलती हुई है हमसे बातें तुम्हारी मानी। आओ सुनाओ भक्तों गिरिराज की कहानी। सात दिनों तक लगातार वर्षा होती रही भक्तों, सारा गोकुल लगभग लगभग डूबने लगा था। गोधन अन्न धन की बर्बादी हो रही थी, सभी लोग कन्हैया के पास जाकर हाहाकार कर रहे थे। तब कन्हैया ने सभी को अपना गोधन लेकर गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आने को कहा। जब सारा गोकुल अन्न धन लेकर गोधन लेकर गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आया, तब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखानी प्रारंभ की। एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं, सब हैरान हैं कि कन्हैया ये क्या कर रहे हैं, के तभी दूजा हाथ पर्वत के आधार के नीचे घुसाया और हाथ की छोटी उंगली पर गिरिराज महाराज को उठा लिया। सब भगवान कृष्ण की लीला देखकर हैरान हैं। सभी को भगवान ने आदेश दिया कि सब पर्वत के नीचे आ जाएं और बारिश से अपना बचाव करें। सारा गोकुल अन्न धन गोधन लेकर पर्वत के नीचे आ गया और बारिश से बच गया। इंद्र को जब ये ज्ञात हुआ तो देवर्षि नारद के सहित
वहां पर साक्षात आ गया। तब क्या देखता है कि एक हाथ से तो कान्हा बांसुरी बजा रहे हैं और दूसरे हाथ में इतना विशाल गोवर्धन गिरी मात्र एक नाखून की नोक पर उठा रखा है। इंद्रराज कुछ समझ पाता कि तभी श्री हरि ने उसे अपना विराट रूप दिखा दिया। विराट रूप देखकर इंद्र थर थर कांपने लगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गया। एक हाथ मुरली साजे दूजे गिरी उठाए, एक हाथ मुरली साजे दूजे गिरी उठाए, और रूप अपना विष्णु दिए इंद्र को दिखाए, चरणों में आके उसने गलती की माफी मांगी। आओ सुनाऊं भक्तों गिरिराज की कहानी। इंद्र ने मेघों को तत्काल आदेश दिया कि बारिश बंद कर दे और कान्हा की शरण में आकर हाहाकार करने लगा। कृष्ण कन्हैया ने उसे समझाया, हे इंद्र, पूरी सृष्टि में बारिश करवाना यह तेरा कार्य है, फिर तू अपनी पूजा क्यों करवाता है। इस पर इंद्र ने कहा, भगवन, आज के बाद मैं पूरी सृष्टि में आवश्यकता अनुसार बारिश करवाऊंगा, परंतु कृपा कर मुझ पर क्रोध न करें। भगवान कृष्ण ने कहा, हे इंद्र, मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूं, परंतु तुम्हारे नेत्र खोलना भी आवश्यकता। इंद्र क्षमा मांगकर देवर्षि नारद के साथ स्वर्गलोक लौट गया और इधर सभी गोप ग्वाले कान्हा और गिरिराज जी महाराज की जय जयकार करने लगे। तभी से भक्तों, गिरिराज जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के लाडले माने जाते हैं, बड़भागी माने जाते हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। तो ऐसे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाकर उनका और श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की। बड़ भाग गिरी राजा श्री कृष्ण ने उठाया, बड़ भाग गिरी राजा श्री कृष्ण ने उठाया, माटी से सबने भक्तों चंदन तिलक लगाया, गिरिराज जी की महिमा सबने है भक्त मानी, गिरिराज जी की महिमा सबने है भक्त मानी, गिरिराज जी की महिमा सबने है भक्त मानी। बोलिए गोवर्धन महाराज की। दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने ब्रिजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कनिष्ठ उंगली पर 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाया था और 7वें दिन भगवान ने इसे नीचे रखा।
और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट पर्व मनाने की आज्ञा दी। तभी से गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है भक्तों। इसे अन्नकूट का पर्व भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत उठाकर श्री कृष्ण ने इंद्र देवता के अभिमान को समाप्त किया था। इस दिन लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन भगवान के चित्र को बनाकर उनकी परिक्रमा लगाते हैं और 7 बार परिक्रमा लगाने से उनके पूजन से सभी तरह के दुखों का नाश होता है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की, श्री कृष्ण भगवान की। हम गोवर्धन महाराज की तुमको कथा सुनाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। क्यों गोवर्धन पूजा होती आओ बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम गोवर्धन महाराज की तुमको कथा सुनाते हैं।
की घनघोर, केवल जल ही दिखने लगा था ब्रज में चारों। ऐसी भयंकर वर्षा इंद्र तब करवाते हैं, हाँ तब करवाते हैं। क्यों गोवर्धन पूजा होती आओ बताते हैं, हम कथा सुनाते।
जाती है उलझन सारी। श्री कृष्ण का उस प्राणी को मिलता है वरदान, सच्चे मन से जो भी करता गोवर्धन गुणगान। हाथ जोड़ चेतना संग शर्मा सुमिरन गाते हैं, हाँ सुमिरन गाते हैं। इसीलिए गोवर्धन पूजा होती बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोपे पान चढ़े रे तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े रे तोपे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरो नाम पढ़ियो है गिरधारी, ओ तेरो नाम पढ़ियो है गिरधारी। लियो नख पे गिरवर धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, सब दे रे सब दे रे सब दे रे नर और नार, हाँ नार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, कंठी की अजब बहार, हाँ बहार तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
बंद हूँ वीणा वादिनी, धरी गणपति को ध्यान, महाशक्ति राधा सहित कृष्ण करो कल्याण, सुमिरन करी सब देव गण, गुरु पितु बारंबार, बरनो श्री गिरिराज यश, निज मति के अनुसार। जय हो जय बंदित गिरिराजा, ब्रज मंडल के श्री महाराजा, विष्णु रूप तुम हो अवतारी, सुंदरता पे जग बलिहारी, स्वर्ण शिखर अति शोभा पावे, सुर मुनि गण दर्शन को आवे, शांत कंदरा स्वर्ग समाना, जहाँ तपस्वी धरते ध्याना, द्रोणगिरि के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा, मुनि पुलत्स्य जी के मन भाई, जोर विनय कर तुम को लाए, मुनिवर संग जब ब्रज में आए, लखी ब्रज भूमि यहाँ ठहराए, विष्णु धाम गौलोक सुहावन, यमुना गोवर्धन वृंदावन, देख देव मन में ललचाए, वास करन बहु रूप बनाए, को वानर को मृग के रूपा, को वृक्ष को लता स्वरूपा, आनंद ले गोलोक धाम के, परम उपासक रूप नाम के, द्वापर अंत भये अवतारी, कृष्ण चंद्र आनंद मुरारी, महिमा तुम्हारी कृष्ण बखानी, पूजा करी बेकी मन ठानी, ब्रजवासी सब लिए बुलाई, गोवर्धन पूजा करवाई, जन को व्यंजन बनवाए, ब्रजवासी घर घर ते लाए, ग्वाल बाल मिली पूजा कीनी, सहस भुजा तुमने कर लीनी, स्वयं प्रकट हो कृष्ण पूजा में, मांग मांग के भोजन पावे, लखी नर नारी मन हर शावे, जय 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 गिरिवर गुण गावे, देवराज मन में सियाए, नष्ट करन ब्रज मेघ बुलाए, छाया कर ब्रज लिया बचाई, एक बूंद न नीच
पहुँचे आई। सात दिवस भई बरसा भारी, थके मेघ भारी जलधारी। कृष्ण चंद्र ने नख पे धारे, नमो नमो ब्रज के रखवारे। करी अभिमान थके सुर साई, क्षमा मांग पुनिया स्तुति गाई। त्राही माम मैं शरण तिहारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी। बार बार विनती अति कीनी, सात कोस परिकम्मा दीनी। संग सुर भी ऐरावत लाए, हाथ जोड़ कर भेंट गाए। अभयदान पा इंद्र सिहाए, करी प्रणाम निज लोक सिधाए। जो यह कथा सुने चित लावे, अंत समय सुरपति पद पावे। गोवर्धन है नाम तिहारो, करते भक्तन को निस्तारो। जो नर तुम्हारे दर्शन पावे, तिनके दुख सब दूर हो जावे। कुंडन में जो करे आच मन, धन्य धन्य वह मानव जीवन। मानसी गंगा में जो नहावे, सीधे स्वर्ग लोक को जावे। दूध चढ़ा जो भोग लगावे, आधी व्याधि पास न आवे। जल फल तुलसी पात्र चढ़ावे, मन वांछित फल निश्चय पावे। जो जन देत दूध की धारा, भरो रहे ताको भंडारा। करे जागरण जो नर कोई, दुख दरिद्र भयता ही न होई। श्याम शिलामय निज जन त्राता, भक्ति मुक्ति सर्वस दाता। पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे, ताकु पुत्र प्राप्ति हो जावे। दंडौती परिकम्मा करही, ते सहजही भवसागर तरही। कली में तुम सम देव न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। सुर नर मुनि सब करते पूजा। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए बंशी वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए बंशी वाले के।
हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बंशी वाले के। हम हो गए बंशी वाले के, हम हो गए बंशी वाले के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बंशी वाले के। हमें भा गया है मुरली वाला, हमें भा गया है मुरली वाला, कान्हा गोकुल का वो ग्वाला, ये साथ हमारे रहते हैं हम हो गए बंशी वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बंशी वाले के। कोई कहता है अब कहता रहे, कोई कहता है अब कहता रहे, मेरा दिल तो बस इतना कहे, हम लोग नहीं अब जचते हैं हम हो गए बंशी वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बंशी वाले के। मैंने सौंप दिया उसको जीवन, मैंने सौंप दिया उसको जीवन, मेरा सब कुछ है अब मनमोहन, ये दिल में हमारे बसते हैं हम हो गए बंशी वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बंशी वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बंशी वाले के। ओ नटवर नंद किशोर किशोर, तेरे चेहरे में कोई जादू है। ओ नटवर नंद किशोर किशोर, तेरे चेहरे में कोई जादू है। तेरे नैन बड़े कजरारे हैं, तेरे नैन बड़े कजरारे हैं,
जब देखे लगे चित चोर तेरे चेहरे में कोई जादू है। तेरी लट घुंघराली काली है, तेरी लट घुंघराली काली है, हो जैसे घटा घनघोर तेरे चेहरे में कोई जादू है। तेरी चाल पे हम तो मर ही मिटे, तेरी चाल पे हम तो मर ही मिटे, तेरी मुरली प्रेम की डोर, हाँ डोर तेरे चेहरे में कोई जादू है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मथुरा के तारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी
हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर, हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए, वहीं गए, वहीं गए, जहां गए पुकारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुनाया धर्म युद्ध को धर्म बताया, जैसी करनी वैसी भरनी, यह संदेश तुम्हीं से पाया। अमर है गीता के बोल सारे, अमर है गीता के बोल प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उस बांसुरी वाले की लीले घोड़े वाले की, उस बांसुरी वाले की लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। देखी दुनिया दीवानी, देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी, ये मतलब की मस्तानी, बिन मतलब रुख ना जोड़े यह नित नित नई कहानी। बिन मतलब रुख ना जोड़े यह नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ू बाबा, किस किस को छोड़ू बाबा, किस किस को अपनाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं।
सुख दुख पहलू जीवन के, सुख दुख पहलू जीवन के, बस वहम ही है ये मन के, बस वहम ही है ये मन के। कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली उलझी, मैं कैसे सुलझाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। बंधन दुनिया के झूठे, बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे, कोई माने कोई रूठे, रविराज चाहे जग छूटे, ये तार कभी ना टूटे, मेरे श्याम चाहे जग छूटे, ये तार कभी ना टूटे। बस इतनी कृपा तू कर दे, बस इतनी कृपा तू कर दे, मैं तेरा हो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो देख के जाना मोहन, तुम्हें देख के जाना मोहन, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं। दिल हो बैठा दीवाना, दिल हो बैठा दीवाना, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर जिधर हम दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं, नींद वींद चैन वैन छोड़े चले आते हैं, छोड़े चले आते हैं। तुम हो जिधर हम दौड़े चले आते हैं, नींद वींद चैन वैन छोड़े चले आते हैं, बस तुमको पाना मोहन, बस तुमको पाना मोहन, दूसरा ठौर नहीं, दूसरा ठौर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं।
पल दूर तुमसे रहना कठिन है, शब्दों में हाले दिल कहना कठिन है। एक पल दूर तुमसे रहना कठिन है, शब्दों में हाले दिल कहना कठिन है। अब हमने भी माना मोहन, अब हमने भी माना मोहन, तुम बिन भोर नहीं, तुम बिन भोर नहीं। हमको मोहन प्यारे जीने की राह दो, चाहत कमल की यही प्रेम की चाह दो, हमको मोहन प्यारे जीने की राह दो, चाहत कमल की यही प्रेम की चाह दो। चाहे जले जमाना मोहन, चाहे जले जमाना मोहन, करें हम गौर नहीं, करें हम गौर नहीं। दिल हो बैठा दीवाना, दिल हो बैठा दीवाना, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर मेरा बस इतना ही कहना, मेरा बस इतना ही कहना, शाम मेरे संग रहना हो, शाम मेरे संग रहना, शाम मेरे संग रहना, शाम मेरे संग रहना। दूर मुझको कभी नहीं करना, दूर मुझको कभी नहीं करना, शाम मेरे संग रहना हो, शाम मेरे संग रहना, शाम मेरे संग रहना, शाम मेरे संग रहना। तन में तुम बस गए, मन में तुम बस गए, शाम तुम ही तो मेरे जीवन में बस गए। तन में तुम बस गए, मन में तुम बस गए, शाम तुम ही तो मेरे जीवन में बस गए। तेरी प्रीत में मुझको है बहना, तेरी प्रीत में मुझको है बहना, शाम मेरे संग रहना, 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 शाम मेरे संग रहना।
श्याम मेरे संग रहना, श्याम मेरे संग रहना, श्याम मेरे संग रहना। जग का हर एक बंधन मैंने तोड़ दिया, तुमसे ही बस रिश्ता मैंने जोड़ लिया। जग का हर एक बंधन मैंने तोड़ दिया, तुमसे ही बस रिश्ता मैंने जोड़ लिया। ये रिश्ता बनाए रखना, ये रिश्ता बनाए रखना, श्याम मेरे संग रहना हो, श्याम मेरे संग रहना, श्याम मेरे संग सौंप दी तुमको मैंने ये जिंदगी, मर्जी है अब तुम्हारी, गम दे चाहे खुशी। सौंप दी तुमको मैंने ये जिंदगी, मर्जी है अब तुम्हारी, गम दे चाहे खुशी। पीछे पीछे मुझे तेरे सदा चलना, पीछे पीछे मुझे तेरे सदा चलना, श्याम मेरे संग रहना हो, श्याम मेरे संग रहना, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, क्या
की होकर भी, जब बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन कायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।